हाय एवरीवन, आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ विच इज परफेक्शनिज्म. सो आई हैव रियलाइज्ड थ्रू हैंडराइटिंग आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर सफरिंग इवन इफ दे आर अ परफेक्शनिस्ट. नाउ परफेक्शनिज्म क्या होता है? बेसिकली एवरीथिंग यू वांट टू बी डन योर वे एंड एवरीथिंग हैज टू बी डन परफेक्टली एंड यू वांट टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड यू जस्ट पुश योर लिमिट्स. सो ओवर परफेक्शनिज्म इज वेन इट्स हैपनिंग अराउंड यू, इट कैन एक्चुअली इरिटेट पीपल अराउंड यू, इट कैन एक्चुअली गिव यू अ लॉट मोर इश्यूज इन योर लाइफ. इट कैन फ्रस्ट्रेट यू, इट कैन गिव यू एंग्जाइटी, इट कैन एक्चुअली मेक अ लाइफ मिजरेबल. सो बीइंग परफेक्शनिज्म इज अ गुड, बट समथिंग बैड इज देयर इन दैट टू. सो प्लीज डोंट डू एनीथिंग ओवर डू, लाइक एवरीथिंग एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इज दैट ऑलवेज वॉट आई ऑलवेज बिलीव. सो परफेक्शनिज्म इफ अगर आपकी लाइफ में ज्यादा हो रहा है, सो ओब्वियसली जस्ट लुक अराउंड एंड सी हाउ अदर पीपल आर फीलिंग अराउंड यू. दे माइट बी वेरी मिजरेबल, इट कैन बी सीन इन योर हैंड राइटिंग. एंड परफेक्शनिज्म इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू वर्कहोलिज्म एंड डिप्रेशन. एंड समटाइम्स मदर्स जो बहुत परफेक्शनिज्म में द बेबी इज बॉर्न एंड दे वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, दे डोंट रिलैक्स, इट कैन लीड टू पोस्ट मार्टम डिप्रेशन. एंड बेसिकली एट अ वर्क प्लेस इफ यू आर एक्सपीरियंस इफ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी परफेक्ट, यू वेस्ट इज अ लॉट ऑफ टाइम. एंड समटाइम्स परफेक्शनिज्म कैन ऑल्सो लीड टू स्लीपलेस नाइट्स. यस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो परफेक्शन के चक्कर में अपनी लाइफ में बिल्कुल पीस खो चुके हैं. सो इट इज ओके इफ यू वॉन्ट थिंग्स टू बी परफेक्ट, बट प्लीज वो थोड़ी सी कंटिजेंसी के लिए आई थिंक यू शुड लीव दैट स्पेस, दैट इफ इवन इफ इट इज नॉट एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, सो इट इज कम्प्लीटली ओके. बिकॉज ट्राई दिस टेक्निक विच इज लाइक इफ सपोज आपके हिसाब से कोई इवेंट नहीं गया, ऑफिस कोई चीज़ नहीं गई या कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई, जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन कि आप उसके अंदर क्या ऐसा चीजें रह गई थी जो नेगेटिव आपको लगा. एंड यू विल रियलाइज दैट वो नेगेटिव चीजें जो आपके हिसाब से नेगेटिव है, इट इज एक्चुअली वेरी इनसिग्निफिकेंट व्हेन वी सी द ब्रॉडर पिक्चर. हो सकता है आपके बॉस के लिए कोई इतनी बड़ी बात ना हो, सकता है आपके बच्चों के लिए बड़ी बात ना हो, बट वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है. सो दिस वे यू कैन एक्चुअली गेट क्लैरिटी इन योर माइंड दैट जो भी इनसिग्निफिकेंट चीजें हुई, जो चीजें आपको लगा कि आपके हिसाब से वो परफेक्ट नहीं थी, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी insignificant, and you can actually try to retrain your brain there that it's okay, just let it pass and don't let this feeling affect you. Also you can do is that set a time limit to complete a particular thing. For example, ab office mein you are a perfectionist kind of a person, you want to complete project, sari cheeze karni hai, but whenever you are a perfectionist you will take a lot of time and you will always wo choti choti mistakes ko correct karne mein आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनका प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं होता, सो जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग सो परफेक्शनिस्ट दे लूज द अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट अ टास्क. सो व्हाट यू हैव टू डू इज सेट अ टाइमर, अपना एक एवरेज टाइमर कि एक चीज मुझे एक घंटे में करनी है, एंड जस्ट ट्राई टू रिट्रेन योर ब्रेन एवरी टाइम यू डू, जस्ट सेट अ टाइमर. उस टाइमर एक दो बार आप फेल होंगे उसके अंदर, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट किस तरीके से आपको मैनेज करना है, देन यू विल एटलीस्ट फिनिश योर जॉब इन दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड यू विल इग्नोर दैट इनसिग्निफिकेंट परफेक्शनिस्ट चीजें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद से, आप डिमांड कर रहे हैं खुद से, वो आपको बिल्कुल लगेगा कि यार एक्चुअली इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेस्ट योर टाइम इन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेल. सो डू शेयर दिस वीडियो टू व्होएवर यू फील आपके आसपास हैं जो बहुत परफेक्शन में बिलीव रखते हैं, दे आर परफेक्शनिस्ट, विच इज आई एम नॉट सेइंग इट इज अ बैड थिंग, बट यस इफ इट इज बॉदरिंग यू, इफ योर परफेक्शनिज्म इज बॉदरिंग यू, वो आपको ट्रबल कर रहा है, सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू वर्क ऑन इट. होप यू लाइक माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी. हैव अ गुड डे.